देख रहे हैं पंजाब की सिटी भी और आपके साथ में से। आज जमाने के कलाकार और अभी तक फिल्म जगत में एक्टिव किया सुबह इससे पहले इरफान खान भी कल दुनिया से रुखसत हो गए। दो कलाकारों की देश पर जोर दिया बॉलीवुड में तो एक बड़ा सपना पहुंच रहा है। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए यूके फिल्म विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष गौरव द्विवेदी हमारे साथ ऋषि कपूर की लास्ट फिल्म मुल्क में उनके साथ काम भी। गौरव जी स्वागत है आपका पंजाब में। नमस्कार। आप सबसे पहला सवाल यही होगा कि ऋषि कपूर क्या गहरा आघात पहुंचा क्योंकि वो आखिरी समय तक नहीं, जो आज सुबह से जब से खबर मिली करीब 9:32 पे अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया था कि ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं गए, तो मतलब बहुत ही कुछ मतलब शब्द ही नहीं थे, इतना स्तब्धता थी कि कल इरफान जी को हम लोगों ने खोया और आज एकदम से ऋषि कपूर जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि मतलब भगवान कोरोना का समय चल रहा, प्रकृति हमसे किस तरीके से जो है हमें प्रताड़ित कर रही है या क्या हमको श्राप दे रही है। और फिर उनकी यादों में डूबा तो याद आया 2012 का वक्त, जब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी मुंबई में पाली हिल में उनका बंगला था कृष्णा राज, जिसमें सुधीर मिश्रा जी जो उस समय एक फिल्म बना रहे थे मेहरुन्निसा अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जी के साथ, जिसकी कास्टिंग हो गई थी, गाने रिकॉर्ड हो गए थे, पूरी फिल्म का सेट बन गया था, लखनऊ का प्रभार मेरे ऊपर था सेट और बाकी सारी चीज़ों का शूट कराने का, लेकिन वो फिल्म अल्टीमेटली बन नहीं पाई थी, किसी वजह से शेल्व हो गई थी। तो हम लोग सुधीर जी और मैं उनसे मिलने उनके घर गए थे शाम को पाली हिल में कृष्णा राज बंगले में, शाम को चाय का वक्त था, पूरी खातिर तवज्जो की, पूरी गर्मजोशी से मिले, फिल्म के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ और सिर्फ चाय नहीं थी, 8-10 तरीके के नाश्ते थे जो कपूर खानदान का एक जो लोगों का इस्तकबाल करने का उनके जो है हॉस्पिटैलिटी का तरीका था वो था, बड़े प्यार से मिले। फिर उसके बाद उसी फिल्म का एक जवाबी कव्वाली जो है रिकॉर्ड होनी थी अमिताभ बच्चन जी और ऋषि कपूर जी के बीच में, जिसको आदेश श्रीवास्तव जो म्यूजिक डायरेक्टर आज हमारे बीच नहीं उन्होंने रिकॉर्ड किया था और गीतकार समीर ने उसको लिखा था, तो उस गाने की रिकॉर्डिंग हो गई थी, बच्चन साहब ने अपनी आवाज में अपना रिकॉर्ड भी कर लिया था। फिर ऋषि जी के साथ हम लोग गए आदेश श्रीवास्तव जी के जुहू वाले स्टूडियो में और वहाँ पे रिकॉर्डिंग उनकी आवाज़ में तो उस समय भी बैठे, तो पूरा बिल्कुल एक एक चीज का जो है वो कैरेक्टर में चले जाते थे, उसको एक एक नुआंसेस जो कहते हैं जानो किस आवाज में बात करनी है, कैसे गाना है, उसका मूड क्या होगा, कैसे वो सारी चीजें मतलब उनको देखा, जो एक समर्पित कलाकार होता है वो, अदाकारी तो खून में थी क्योंकि कपूर खानदान से थे, तो वही सब चीजें अब याद आती हैं। तो इरफान खान भी एक मछली हुए कलाकार थे, 53 साल की उम्र में उन्होंने कैंसर से जंग लड़ते हुए इस दुनिया को रुखसत कर दिया। तो इरफान खान और ऋषि कपूर दो दिग्गज, दो दिनों में लोगों को यकीन नहीं हो रहा, जब लोग सुबह अपनी आंखें खोल रहे हैं कल भी और आज भी, तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि कल इरफान खान चले गए और आज ऋषि कपूर चले गए, ऐसा कैसे? तो इन दोनों के जाने से फिल्म इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कहीं भी क्या लगता है कलाकार जो दोबारा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के कलाकार जो है ना वो मतलब दोबारा आ सकते हैं या उनको जो है ट्रेन करके आप बना सकते हैं, ये अपने आप में जो है एक भगवान की नेमत है जिसको आप कह सकते हैं, मतलब चाहे वो बलराज साहनी की बात करें या फिर उसके बाद हम संजीव कुमार को देखें या फिर इरफान को जो है, तो वो सब उसी कैटेगरी में थे, गुरुदत्त थे जो थोड़ी देर के लिए अल्पायु के लिए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना जो है जलवा बिखेरा, लोगों के दिलों पर राज किया। ऋषि कपूर जी के साथ सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ कि मतलब एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर, जिसमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिला मेरा नाम जोकर में, उसके बाद पहली फिल्म बॉबी में फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला उनको, और सेकेंड पारी में जब आप देखिए उनको मतलब रोमांटिक हीरो के बाद जो उन्होंने जो काम करना शुरू किया सेकेंड पारी में अपनी, तो चाहे वो अग्निपथ हो, कपूर एंड सन्स हो, मुल्क हो, डी डे हो, हर पिक्चर में एक से एक बेहतरीन किरदार उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इस तरीके के निभाए कि मुझे तो लगता था कई बार कि मतलब अपने बेटे को भी वो कहीं ना कहीं जो है इज गिविंग अ रन फॉर मनी टू हिम एज वेल, यू नो एज एन एक्टर मिली वो पार एक्सीलेंस। और मैं मुल्क का मैं पर्टिकुलर आपको इंसिडेंट बताता हूँ,
उसमें जो उन्होंने मुराद अली की भूमिका की, उसमें वो जो गेटअप मेकअप लगाते थे 3 घंटे 4 घंटे बैठते थे वो सेट पर आने से पहले, लेकिन पूरे डिसिप्लिन के साथ, कोई कभी उन्होंने शिकायत नहीं करी, कोई कुछ नहीं। मुझे बहुत समय मिला मुल्क के सेट पे लखनऊ में, मलियाबाद में उनके साथ बिताने का। मुल्क में मैंने किरदार भी किया था, हालांकि मेरा सीन जो है आशुतोष राणा के साथ था, लेकिन वो मिलते थे तो और बहुत ही एक्टिव और सजग थे। तो जब पहली मुलाकात हुई मुझे याद है अक्टूबर 2017 की, मलियाबाद में शूटिंग चल रही, मैं पहुंचा, अनुभव सिन्हा जी डायरेक्टर अच्छे मित्र, उन्होंने बुलाया था, तो ऋषि जी से उन्होंने मुलाकात तो थी, फिर दोबारा मुलाकात कराई, मैंने याद दिलाया कि आपसे बंगले के लिए, हाँ बिल्कुल, और यूपी की पॉलिटिक्स डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया कि बताओ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि सरकार बदली थी उसी समय, अखिलेश यादव मार्च में चुनाव खत्म हुए थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तो अवधि खाने के बहुत शौकीन थे, तो मैं 2-3 दिन सेट पे खाना बनवा के लाया था, तो उसमें मुर्ग मुसल्लम बिरयानी काकोरी कबाब बड़े चाव से खाते थे, बड़े उससे सेट पे डिसिप्लिन और समय, मतलब आप जो है उसमें उनका कोई सानी नहीं था, और चाहे 4 रिटेक ले ली बस, कभी मैंने कोई शिकायत नहीं करी, कोई कुछ नहीं खाने की, तो बहुत ही अलग है। गौरव जी 27 दिनों तक शूटिंग हुई थी लखनऊ में, उससे पहले बनारस में मुल्क शूटिंग हुई थी, तो ऋषि जी के बारे में कहा जाता था वो लखनऊ को काफी मिस करते थे, लखनऊ की तहजीब को, लखनऊ के या फिर बनारस की चटनी गलियों के खाने की बात करें या बनारस की सभ्यता की बात करें, तो ऋषि जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी मिस करते थे, पहले भी वो मुंबई में होंगे लेकिन हमेशा यूपी से जुड़े रहते थे, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ फिल्म की शूटिंग का भी 27 दिन के साथ रहे, कैसा अनुभव था नहीं बनारस में? एक्चुअली फिल्म की शूटिंग सिर्फ एक या दो गोरिल्ला शूट हुए थे, वो लोकेशन दिखाने की कहानी बनारस की है, बाकी फिल्म की पूरी शूटिंग 27 दिन जो है लखनऊ में अनुभव सिन्हा जी ने की थी। मुझे याद है मैं मुंबई में अनुभव सिन्हा जी से मिला तो उस दिन स्क्रिप्ट लेके नरेशन के लिए ऋषि कपूर जी के पास जा रहे थे फिल्म के शूट से पहले, तो जैसे खत्म हुआ फिर उन्होंने मुझे, मेरी उनसे दोबारा बात हुई कि फिल्म की रखी है लोकेशन के लिए, फोन पे मेरी बातचीत होती रहती है अनुभव जी से, तो उनका कि एक ही बार उन्होंने बस स्क्रिप्ट सुनी और कहा यस आई एम डूइंग दिस फिल्म। तो लखनऊ में उन्होंने काफी समय व्यतीत किया, एक जो खलिश मेरे दिल में रह गई, तमन्ना जो अधूरी रह गई थी कि उनकी जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी खुल्लम खुल्ला, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था एक बार बीच में कि हम लोग आपका एक बुक रीडिंग सेशन और यहाँ पे एक बुक लॉन्च लखनऊ में भी कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अगर हमको जो है अपनी सहमति दे दें, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया था हार्पर कॉलिंस उनके पब्लिशर उनसे, लेकिन किसी वजह से वो हो नहीं पाया इवेंट, और जो है वो समय की कुछ कमी थी या क्या था, तो वो एक मलाल मेरे दिल में रह गया है। और दूसरा था मैंने उनसे कहा सर मुझे आपकी इस किताब पे आपके ऑटोग्राफ ले, उनका ठीक है जब बिल ले आना मैं कर दूंगा, बट मुलाकात उसके बाद हुई नहीं, और जब मुलाकात उस वक्त किताब मेरे साथ में नहीं थी, तो वो मलाल मुझे आज तक है कि उनके मैं हस्ताक्षर उनके ऑटोग्राफ में ले नहीं पाया। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी 2018 में अगस्त में, मुल्क फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी मुंबई में पीवीआर में अंधेरी में, मैं गया था बड़े प्यार से मिले फिर से कैसे हो भाई कहे, तो बस उनकी स्क्रीनिंग शुरू होने वाली सब उन्होंने बोला यार चलो यार जल्दी चलो फिल्म देखते हैं साथ बैठ के जो है, तो हमेशा बहुत मतलब प्यार से मिले लोगों से, बहुत ही अलर्ट आदमी थे, एक अच्छे कलाकार थे, एक अच्छे इंसान थे, सबसे बहुत अच्छा डिसिप्लिन, अपनी लेगेसी जो कपूर खानदान की पूरी वो लेके गए और अपने परिवार उसको उन्होंने बनाया आगे तक। जी अभिनय, हाँ अगर बात करें कि सर एक फिल्म डिस्कस हो रही थी मेहरुन्निसा, उसकी भी आपने जिक्र किया था, वो भी किसी वजह से पेंडिंग रह गई, उसके पेंडिंग रहने की क्या कहानी है? ये बहुत ही मेहरुन्निसा मतलब सुधीर मिश्रा जी की जो बहुत दिल के करीब एक कहानी थी, ये कहानी दो दोस्तों की कहानी थी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की, जो हिंदू और मुसलमान थे, एक वकील था और एक जो है पुलिस में आईजी था, तो इन दोनों की बचपन की दोस्ती थी, लेकिन वो गंगा जमनी तहजीब जो लखनऊ की थी वो थे, उसमें कभी मजहब और बाकी चीजें आड़े नहीं आए, बस आड़े आई एक बार की जब मेहरुन्निसा नाम की एक जो है महिला उन दोनों की जिंदगी में आई, दोनों को उससे प्यार हो गया, लेकिन ये खुल नहीं पाई कहानी की जो वो मेहरुन्निसा किसको प्यार करती, एक दिन मेहरुन्निसा पार्टीशन के बाद के वक्त की कहानी थी वो चली जाती, और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ये नहीं पता चला कि किसकी मोहब्बत किसके हाथ में थी किसने तोड़ी थी।
टर्न ऑफ इवेंट, मेहरुन्निसा दोबारा जिंदगी में उनके आते हैं जब ये लोग थोड़े उम्र दराज हो गए, और अब फिर ये जद्दोजहद दोनों के बीच जो है कॉमिक सिचुएशन हो जाती है कि पता करें कि मेहरुन्निसा किसको प्यार करती है। लेकिन आखिर में मेहरुन्निसा फिर वापस चली जाती हैं, लेकिन इस बार इन दोनों दोस्तों को एक बार फिर से जोड़कर उनकी दोस्ती फिर से आबाद कर दी। बहुत ही प्यारी कहानी बिल्कुल लखनऊ की, और बहुत ही मतलब दोनों ने जितनी मेहनत करी थी स्क्रिप्ट पे, बच्चन साहब ने, ऋषि कपूर जी ने, हम लोगों की कई सिटिंग में देखते थे और बहुत एक्साइटेड थे फिल्म में। तो दुर्भाग्य था कि फिल्म जो है सेट लगने के बाद भी नहीं बन पाया, तो मतलब वो भी एक अधूरी जो आस रह गई हम लोगों के बीच में कि जो ऋषि जी तो इससे पीछे की कहा, और ये इतनी अच्छी स्टोरी थी लेकिन ये शूट क्यों नहीं हो पाई? आपने बताया कि सेट भी लग चुका था लखनऊ पे, तो ये कैंसिल क्यों हुआ इसका? अब कुछ कहा, लेकिन मेरा अपना मानना है लोगों, हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। आप शोले फिल्म को ले लीजिए, शुरू में जो लग रहा था फ्लॉप होने थी, लेकिन वो फिर वो कल्ट फिल्म ऐसी बन गई, ऐसी सुपर डुपर हिट हुई कि जिसका कोई सानी नहीं। तो हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, कुछ बन जाती है कुछ नहीं बन पाती है, लेकिन कहानी अभी भी इंटैक्ट, और मुझे उम्मीद है किसी न किसी दिन सुधीर जी इस फिल्म को जरूर मुकम्मल जो है उसकी जगह तक पहुँचा के रहेंगे। अगर मुझे ऐसा कहा जाता के पास कुछ और प्रोजेक्ट थे जिसको पूरा करने वाले थे, या और कुछ ऐसा जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनको पूरा किया जाना था और कुछ पे काम शुरू होना था, ऐसे क्या कौन से प्रोजेक्ट थे जिनकी जानकारी आप? ऋषि कपूर जी की अभी जो एक बहुत एक्साइटिंग फिल्म जो आने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट भी हो गया था, हॉलीवुड की एक फिल्म है द इंटर्न, उसी की जो है कॉपीराइट्स लेके दीपिका पादुकोण और ऋषि कपूर जिस फिल्म को करने वाले थे, जिसमें ऋषि कपूर एक बुजुर्ग किरदार में थे जो एक इंटर्न का काम करने कंपनी में जो है नौकरी करने जाते हैं, और वहाँ पे उनकी बॉस एक लेडी होती, हॉलीवुड की बहुत ही चर्चित फिल्म थी जिसके राइट्स लेके उन्होंने जो है अनाउंस भी कर दी थी ट्वीट पे, दीपिका ने ट्वीट भी किया था, ऋषि ने किया था। वो फिल्म अब हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि ऋषि जी नहीं रहे, फिल्म की शूट नहीं हो पाई। हमारी यही बस उम्मीद है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वहाँ पे भी ऊपर जाके ऋषि जी जो है अपने कलाकारी से, अपनी अदाकारी से और अपने व्यक्तित्व से जो है स्वर्ग को भी गुलजार करते हैं। बिल्कुल, आपके साथ साथ पूरे देश और हम सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि उनके परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी को सहने को सकते, के साथ ही इरफान खान का परिवार भी है, लोग भी है। दो दिन में दो अचानक से जो निधन की खबरें हैं, उसने फिल्म के जो चाहने वाले हैं, फिल्म कलाकार जो चाहने वाले हैं, फिल्म को खो दिया। अगर हम इससे हटकर बात करें, आप रह चुके हैं प्रदेश में, तो आप प्रदेश में फिल्म के विकास को शूटिंग करने के लिए या फिर प्रोत्साहन के लिए क्या ऐसे कदम आने चाहिए सर? नहीं, देखिए जो फिल्म पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की वो बहुत अच्छी है, अभी दूसरे भी प्रदेशों में मध्य प्रदेश ने भी बहुत अच्छी फिल्म पॉलिसी लॉन्च करी है। हम लोग अभी आज मैं मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ सरकार में मैं सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ भी हम लोग नई फिल्म पॉलिसी ला रहे हैं, लेकिन हाँ ये कोरोना के बाद मुझे लगता है अभी फिल्मों की शूट होने और उसमें भी काफ़ी समय ले गएगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात है, तो उस वजह से फिल्मों का नुकसान हुआ, सिनेमा हॉल अभी जल्दी नहीं खुलेंगे और शूटिंग भी मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। तो लेकिन आने वाला समय कंटेंट का समय है, तो देर सवेर जैसे हमें कोरोना से निजात मिलेगी, मुझे लगता है कि फिल्मों का और कंटेंट का, टेलीविजन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और ये फिर से लोगों की जिंदगी में शामिल होगा। कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, लाखों लोग बेरोजगार हैं और कई सारे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, लेकिन कुछ कलाकार हैं जो अपने घर पर रहकर काम कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक कंपोजर हैं जो म्यूजिक कंपोज करने वाले लोग हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो अपना अपना काम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये उम्मीद एक भरोसा नहीं मिल पा रहा है कि लॉकडाउन तब रहेगा और तक सारी स्थिति फिर से पुराने रवैया पर आएगी। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि क्या नुकसान और क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाला दूरगामी फिल्म इंडस्ट्री? नहीं, प्रभाव तो निश्चित ही होगा क्योंकि देखिए आप फिजिकली जो है आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा और ये वायरस जब तक जाता नहीं है, इसका इलाज नहीं होता, तो हम लोगों को जो है जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है तो वही एहतियात हमको बरतना पड़ेगा। लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है एहतियात के साथ भी, तो वो हमको निश्चित दूरी बना के रखनी है, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है,
शूटिंग आप समझ लीजिए कि 100-150-200-250 लोगों की यूनिट एक साथ काम करती है, बड़ी क्लोज उसमें काम करती प्रॉक्सिमिटी में। तो अभी शूटिंग तो मुझे लगता है कि उस पर असर पड़ेगा, उस तरीके से नहीं होंगी। हाँ, प्रोडक्शन वाइज जो आप गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडियो में, बाकी जो VFX और उसका पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन एक्चुअल जो शूट है उसमें समय लगेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे उस तरीके से, खुलेंगे भी तो उसमें ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं होगी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं या जो किंवदंती जान है जहान है, तो हम जितनी जल्दी इससे उभर के जो हम अपने नॉर्मल जीवन में आ जाएंगे, तो वैसे मुझे लगता है ये लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है, ये चक्र है, खत्म होगा। और चीजें जो है मेरे ख्याल में, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग एट द एंड ऑफ द क्लाउड, जो मानना है कि हर जब रात सबसे गहरी हो, अंधेरी हो, तो सुबह आने वाली है। तो मेरे ख्याल में जो चीजें देर सवेर जो दुरुस्त होंगी। बिल्कुल गौरव जी, इसके साथ ही लोगों के सामने और बॉलीवुड के इंडस्ट्री के जो वो दिक्कत इस दुनिया से रुक सक हुए हैं, छोड़ गए हैं, उनको कोरोना की वजह से हम सही ट्रिब्यूट भी नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम लोग तो जा रहे हैं, फिर इरफान खान नजर साहब के लिए, तो ये कहीं ना कहीं अगर क्षति हुई है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके माध्यम से क्या एक आप हम आप और हम सभी लोग एक भरोसा दिलाता है कि अगर ये कोरोना जैसा खत्म होगा तो एक सही मायने में ट्रिब्यूट दोनों कलाकारों के लिए मुंबई में आयोजित क्या किया जा सकता है? नहीं, हम लोग एकजुट हो, अपना संयम बनाए रखें, अपनी मानसिक स्थिति है जो संतुलन है उसको बनाए रखें, एक दूसरे की मदद कर सकें, अपने से नीचे की ओर देखें। भगवान ने बहुत बड़ा सबक सिखाया हमें, प्रकृति ने हमें बताया, चीज़ों की जो अहमियत बता दी है कि क्या जीवन में ज़रूरी है क्या नहीं है। तो एकजुट रहें, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है हमारे भारत की, जो एक सूत्र है जिसको कहते हैं, उसको हम लोग फॉलो करें अपने निजी जीवन में। परिवार के साथ जुड़ने का हम लोग पहले हमेशा समय की जो है कमी की बात कर सकते हैं, भगवान ने इतना समय दे दिया कि अपने परिवार से, माँ से, बाप से, दोस्तों से, यारों से जो गिले शिकवे हैं, जो दुखों को गलतियां, उसके लिए माफी मांगना तो वो किया जा सकता है। मुझे भी लगता है कि ये एक समय है, और सब बुरे समय की सबसे बड़ी बात है कि वो भी कट जाता है तो निकल, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि हाँ आगे जो एक नया सवेरा आएगा, नया सूरज होगा, जो हमको नई दिशा दिखाएगा। गौरव जी, हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जिससे मेमोरी से उसको रिकॉर्ड करने के लिए और हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि ऋषि कपूर के परिवार के लगभग 20 लोग अभी दिल्ली में फंसे हुए हैं। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मुंबई जाने के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुंबई में पहुंचने के लिए उनको फ्लाइट तो उपलब्ध नहीं कराया जा सका, लेकिन MHA ने उनको बाई रोड जाने की परमिशन दी है। पूरे देश में उनसे जुड़े लोग हैं, परिवार के लोग हैं जो उन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन किसी लोगों की वजह से, कोरोना की वजह से उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज भी देश और बॉलीवुड की तमाम हस्तियां और देश में चाहने वाले लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और पंजाब किसी परिवार की तरफ से तो ऋषि कपूर को पूरी श्रद्धांजलि है। हम भी गमगीन हैं, इरफान खान का देहांत हुआ, उनको सहसा यकीन नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा सितारा हमको छोड़कर चला गया। आज सुबह सुबह ऋषि कपूर के मौत है तो सबको गहरा आघात दिया। हम यही चाहते हैं और इस ऊपर दुआ कर रहे हैं कि आप इस दुख की घड़ी को सहने से आप देखते रहिए पंजाब के साथ।